राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापस करने का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन पर अजमेर दक्षिण से कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे हेमंत भाटी ने आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है। हेमंत भाटी के साथ इस मौके पर अजमेर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोहली भी साथ मौजूद रही। हेमंत भाटी ने कहा कि वह हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व की समझाइश के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और वह कांग्रेस के लिए जनता के बीच पहुंचेंगे और वोट मांगेंगे। अजमेर के व्यापारी बंधुओं को, अजमेर की जनता को हमारे धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि धन की ऐसी वर्षा करे हमारे व्यापारी भाई पर, अजमेर की जनता पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। ये दुख, ये कठिनाई के दिन बीत जाएंगे, सुख के दिन वापिस आएंगे। आप सभी अपने परिवार के स्वास्थ्य स्वस्थ होंगे और आप सब मिलकर इस दीपावली के त्यौहार को सुख शांति से मनाएं। एक बार मैं सभी से आशा करता हूँ, पुनः माँ लक्ष्मी से दुआ करता हूँ, आपका त्यौहार हंसी खुशी मनाए, आप अपने घर त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएं। मैं इस दीपावली के पावन पर्व की सभी अजमेर शहरवासियों को, व्यापारी बंधुओं को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। क्या कारण रहे कि आपने नामांकन दाखिल किया और अब क्या कारण रहे कि वापस ले लिया और किसके कहने पर लिया? देखिए, टिकट कटने का एक दुख तो मेरे साथ साथ सभी मेरे चाहने वालों को था, कार्यकर्ताओं को था, पूरे अजमेर दक्षिण शहर की जनता, जो कि इस बार ये दृढ़ निश्चय करके बैठी थी कि हेमंत भाटी जी को विधायक के रूप में हम देखेंगे, मगर प्रक्रिया के तहत किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला। उसका दुख सभी को था और उन सबके ही एक दबाव के कारण उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 फॉर्म भरे थे, एक INC का और एक निर्दलीय फॉर्म। सिंबल के अभाव में INC का कैंसिल हो गया था। उसके बाद से लगातार जो प्रमुख नेता हैं हमारे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब और मुकुल वासनिक जी, और दिल्ली से काफ़ी नेताओं का एक प्रेशर था कि आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हो, और इस बार जो भी हुआ उसका सभी को दुख था। और आज पवन खेड़ा जी जो है AICC का एक संदेश लेकर आए थे, राहुल जी का और खड़गे साहब का, रंधावा जी का, तो उन सबकी भावनाओं का उनके सम्मान में मैंने आज जो है ये निर्णय लिया और अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया कि जिस तरह से हम लड़ाई को लड़ रहे हैं और सुशासन स्थापित करने की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी है जिसके साथ चलकर, जिसके बैनर पे हम सब अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट भी करते हैं और हम सब कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। ठीक है, जो दुख हुआ था उसको अब हम भुलाते हुए, और बहन द्रौपदी को जो प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का, उनके समर्थन में मेरे सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रलोभन भी दिया गया हो ADI अध्यक्ष या अध्यक्ष को लेकर, या कोई पद देने की बात हुई? देखिए, मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता, मैंने कोई भी पद लेने से मना कर दिया है। मैं सिर्फ कांग्रेस की सेवा करना चाहता हूँ, किसी पद के लालच में मैंने ये नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है। मन से तो आपने टिकट ले लिया, लेकिन अब बात आती है मत की, तो वो किस तरह से आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मत जो है वो देखो मेरे या फिर कहीं और जाएं, इसको लेकर क्या करेंगे? मेरे समस्त कार्यकर्ता मेरी ताकत हैं और उनको मैं किसी भी परेशानी में या दो विचार हों उनके मन में ऐसा नहीं करना चाहता हूं, और मैं सभी को निर्देशित करूंगा और आज शाम को जो है उन सबके साथ मिलकर एक मीटिंग करके और द्रौपदी को हम अपना समर्थन देंगे और सब दिल से काम करेंगे, क्योंकि हम सच्चे कांग्रेसी हैं और दो बातें नहीं होंगी।